मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। साल 2019 में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शायराना अंदाज में विरोधियों पर तंज कसा था। अब वो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में की गई देवेंद्र फडणवीस की प्रतिज्ञा आज 2.5 साल बाद पूरी हो गई है। बात साल 2019 की है, जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस दौरान 105 सीटों पर जीतने के बाद बीजेपी प्रदेश में नंबर 1 पार्टी रही। वहीं शिवसेना 56 सीटों के साथ नंबर 2 पर रही। उस दौरान ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में एक बार फिर NDA सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। वजह साफ थी, देवेंद्र फडणवीस की साफ सुथरी छवि और चुनाव के दौरान उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 5 साल CM बने रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस उस वक्त सकते में आ गए थे जब शिवसेना ने अपना CM बनाने का ऐलान कर दिया। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनसे अमित शाह ने वादा किया था कि सत्ता में वापसी के बाद शिवसेना और बीजेपी 2.5 साल के लिए CM पद साझा करेगी। हालांकि बीजेपी ने इस बात को झूठ करार दिया और शिवसेना का CM बनने पर राजी नहीं हुई। उधर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने के लिए रातों रात NCP के अजीत पवार से समर्थन मांगा और अगले दिन जब पूरी मुंबई सो रही थी तब फडणवीस ने राजभवन जाकर CM पद की शपथ ले ली, लेकिन शरद पवार ने पासा पलट दिया और फडणवीस को 2 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने मिलकर गठबंधन वाली सरकार बना ली। इस गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। सरकार बन जाने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस लगातार सक्रिय रहे और एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं पर डोरे डालते रहे। आखिरकार विधान परिषद के समय उनकी मेहनत और कूटनीति रंग लाई और एकनाथ शिंदे बगावत के लिए तैयार हो गए। बगावत के बाद विधायकों को मैनेज करने और उन्हें पहले सूरत फिर गुवाहाटी पहुंचाने में देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई। उद्धव के इस्तीफे के बाद अब भी लगभग तय है कि एकनाथ शिंदे गुट के दम पर देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 1 जुलाई को एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।